की सबको मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, एक सेकंड। ये ना मेरे लिए बड़ा टेंशन का टाइम होता है। ओके ओके पिछले 2 बारी जब मुझे मौका मिला हम और हम सब मिशनरीज के बारे में सीख पाए, तो 2 सिंगल लेडीज थी, उन्होंने शादी नहीं की थी। और आज भी हम ऐसे लेडी के बारे में सीखेंगे, उनकी सेविकाई से सीखेंगे। उनका नाम है डॉक्टर हेलेन रोजवेयर। उन्होंने शादी नहीं की थी। एमी कामाइकल और ग्लैडिस एलवर्ड के बारे में जो हमने सीखा था, तो उन्हीं की तरह डॉक्टर हेलेन रोजवेयर भी सिंगल थी। तो उन्होंने कॉन्गो, जो अफ्रीका में है, वहां पे उन्होंने सेवकाई की। और बस हम उनके जीवन को जब देखते हैं, तो 1925 में इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार एकदम नॉर्मल सा परिवार था, पढ़े लिखे थे लेकिन ज्यादा कुछ अमीर नहीं थे। उनके 4 भाई बहन थे। एक सेकेंड, सॉरी। और उन्होंने 1945 में, जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। उनको 1953 में उन्होंने एक मेडिकल मिशनरी के रूप में वो कॉन्गो, जो अफ्रीका में है, वहां पे सेवकाई करने गई थी। जिस संस्था के साथ वो जुड़ी थी और वो गई थी, वो गए वहां पे, वो सीटी स्टड ने शुरू किया था। हमने सीटी स्टड के बारे में भी कुछ दिनों पहले सीखा था। तो उनकी जो संस्था उन्होंने शुरू की थी, वो कॉन्गो में काम कर रहे थे वहां पे, लेकिन 30 साल तक उनके पास कोई डॉक्टर नहीं था वहां पे जाकर सेवकाई करने के लिए। तो 1953 में हेलेन रोजवेयर वहां पे एक मेडिकल मिशनरी के रूप में गए। जब वो वहां पे गए, उन्होंने देखा कि बहुत काम है और सच में बहुत जरूरत है कि और लोग इस काम में जुड़े। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला जहाँ पे नर्सेस को ट्रेनिंग दी गई थी। तो वहां जाने से पहले उनको इनफैक्ट फ्रेंच भी सीखना पड़ा, क्योंकि कॉन्गो जो था, एक वो बेल्जियन जो जो देश था उनका, जैसे कि वहां पे वो राज करते थे। तो उन्होंने भाषा सीखी, वहां पे सेवकाई कर रहे थे। और एक जगह का नाम है जिसका नाम है इबाम्बी, वहां पे उन्होंने हॉस्पिटल भी स्थापित किया और एक ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे नर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ साल हो गए थे वहां पे हेलेन काम कर रही थी, और एक माँ बच्चे को जन्म देके वो गुजर गई थी। और बच्चा बहुत कमजोर था और एकदम कांप रहा था, और सबको लगा कि रात वो नहीं काट पाएगा, वो बच्चा मर जाएगा। जब माँ की मृत्यु हो गई थी, उस बच्चे के साथ एक और 2 साल की बच्ची भी थी। तो ये दोनों बच्चे उस रात को एकदम अनाथ हो गए थे। तो वहाँ पे जो सारे डॉक्टर डॉक्टर हेलेन थी और सारे नर्सेस ने खूब मेहनत की इस बच्चे को ठीक करने के लिए। वहाँ पे एक हॉट वाटर बॉटल की जरूरत थी, गर्म पानी जिसमें डाल के, जैसे कि हम शरीर के पास रख के उसे थोड़ी सी उसको वार्म रखे। लेकिन उनके पास एक लास्ट हॉट वाटर बॉटल था, और वो जब वो गर्म पानी डाल रहे थे उसमें, वो एकदम टूट गया। और वो तो उनके पास एकदम था ही नहीं कुछ। तो वो एकदम प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चे की जान बच जाए। किसी तरह वो रात कट गई, और सुबह डॉक्टर हेलेन फिर वहीं पे, एक अनाथ आश्रम था, और बच्चों को उन्होंने बुलाया और बोला कि हमें खूब प्रार्थना करनी है, क्योंकि इस बच्ची की माँ मर गई है और उसकी एक बहन भी है, 2 साल की लड़की है, वो अनाथ हो गए हैं, हमें प्रार्थना करनी है। और डॉक्टर हेलेन लिखती है कि एक बच्ची वहां पे थी, वो अनाथ बच्ची थी, और उसने बोला कि मैं दुआ करूंगी। और उसने जब दुआ की, उसने बोला कि प्रभु, हमें एक हॉट वाटर बॉटल की जरूरत है, आपको पता है कि हमें जरूरत है, और आपको आज दोपहर तक भेज देना है, क्योंकि अगर आप कल भेजेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, ये बच्ची मर जाएगी, हमें आपकी बहुत बहुत जरूरत है। और इस बच्चे, वो बहुत छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम रूथ था, और उनने बोला कि प्रभु, जब आप हॉट वाटर बॉटल भेजेंगे तो एक गुड़िया भी, छोटी सी गुड़िया भेज देना, क्योंकि वो जो 2 साल की बच्ची है, उसको उसको अच्छा लगेगा। और डॉक्टर हेलेन सोच रही थी कि मैं यहाँ पे काफी साल हो गए, इतनी कभी भी यहाँ पे कोई पार्सल तो आया है नहीं, क्योंकि हम इक्वेटर के पास, अफ्रीका इक्वेटर के पास है, जहाँ पे सूरज की बहुत रोशनी यहाँ पे गिरती है, यहाँ पे तो कोई
अगर हमारे पास हॉट वाटर बॉटल आएगा भी तो वो मेरे जहां से मैं हूँ इंग्लैंड से कोई हमें कोई तोहफा भेजेगा तभी आएगा यहाँ पे। इतने साल हो गए कभी यहाँ पे कोई तोहफा कोई पार्सल तो आया नहीं हमारे। तो मैं बोला और कोई भेजेगा भी तो इतनी गर्मी की जगह में कोई हॉट वाटर बॉटल तो भेजेगा नहीं। फिर वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी और दोपहर का टाइम होने ही वाला था और एक गाड़ी आ गई और उन्होंने बोला कि आपके लिए ये पार्सल आया है। तो डॉक्टर हेलेन ने बोला कि जब मैं खोलूंगी तो बच्चों के साथ खोलूंगी। तो अनाथ आश्रम गई वो और वो खोल रही थी और बहुत सी चीजें थी उसमें लेकिन एक हॉट वाटर बॉटल भी था। और डॉक्टर हेलेन बोल लिखती है कि मैं इस बच्ची के विश्वास को देख के एकदम मेरा खुद का विश्वास और भी गहरा हुआ कि इस बच्ची का विश्वास था कि अगर हम मांगते हैं और प्रभु जानते हैं कि हमें उस चीज की जरूरत है तो वो जरूर देंगे। और ये छोटी सी लड़की रूथ बोलती है कि आप थोड़ा सा और देखो कि अगर प्रभु ने हॉट वाटर बॉटल भेज दिया है तो हमने एक गुड़िया भी मांगी थी वो भी भेजा होगा। तो डॉक्टर हेलन बोलती है कि आप कुछ ज्यादा ही आशा नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने बोला आप देखो तो सही, छोटी सी लड़की थी। और जब उन्होंने निकाला तो सच में वहां पे एक गुड़िया भी थी। तो डॉक्टर हेलन लिखती है कि सेवकाई कम हम करने जाते लेकिन हमारे खुद का विश्वास भी बढ़ता है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रभु ने जो काम किया था वो जो लेबल था उस पैकेज पे जो आया था वहां पे लिखा था कि क्योंकि बहुत साल पहले था 4 महीने लगे थे उस पैकेज को कांगो वहां पे पहुंचने के लिए। 4 महीने पहले प्रभु ने इंतजाम कर रखा था कि एक हॉस्पिटल जो एकदम गांव में था वहां तक ये पहुंचे। तो डॉक्टर हेलेन रोजवे खूब मेहनत की वहां पे, डॉक्टर्स को खूब ट्रेनिंग दी। और फिर एक जगह है नेबो बोंगो, वो वहां पे उन्होंने एक कोरियो के लिए आश्रम शुरू किया। स्टोरी ये है कि एक दिन बस वो हॉस्पिटल में सेवकाई कर रही थी और एक आदमी पहुंचा उनके दरवाजे तक और बोलता है कि मैं आया हूँ आपकी सेवा करने के लिए, मैं एक कुक हूँ, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि आप पहले कहाँ काम करते थे? उन्होंने बोला मुझे वहां से निकाल दिया क्योंकि मुझे कोड़ियों कोड़ी की बीमारी है। तो डॉक्टर हेलन को लगा कि हमें, वो डरती तो नहीं थी इस कोड़ी की डिजीज को लेकर, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें एक अलग से एक बिल्डिंग अगर खड़ा करना है ताकि इनका अच्छे से ध्यान रखा जा सकते, उनके लिए जो इक्विपमेंट है वो भी अलग ही होगा। तो उन्होंने स्थापित किया, बनाया ये सब, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो शुरू किया और वहां पे मिशन का ये था कि अगर आपने कुछ किया है तो महीने एंड तक आपको उसके पूरे पैसे भरने हैं। तो उन्होंने बिल लेके अपने बाइबल में रखा और बोला कि प्रभु अगर आपने काम शुरू किया है तो आपको ही देना पड़ेगा, हमारे पास नहीं है। दोपहर निकल गई, शाम निकल गई और फिर उनके पास कोई 3 अलग अलग एनवलप लेके आए जिसमें पैसे थे और अलग अलग जगह से लोगों ने पैसे दिए थे। और उन्होंने जब खोला तो जितना जितना बिल था उतने ही पैसे थे और 10% एक्स्ट्रा ताकि डॉक्टर हेलेन अपना 10वां अंश भी दे सके। और डॉक्टर हेलेन बोलती है कि जब उन्होंने देखा कि ये कब भेजा था लोगों ने, वहां पे 4 महीने पहले किसी ने उनको भेजा था और वहां पे उस पे लिखा था कि जो आप कोड़ियों के बीच में सेवा कर रहे हैं उसके लिए ये पैसे हैं। और 4 महीने पहले उनका कोई प्लान नहीं था कि कोड़ियों के बीच में सेवकाई हो, बट प्रभु को पता था। और प्रभु, वो लिखती हैं कि जब भी हमारी कोई भी जरूरत है प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से सब चीजों का इंतजाम किया। डॉक्टर हेलेन ने बहुत सेवकाई की, वो बहुत बीमार भी पड़े, कांगो कांगो जगह में सेवकाई करना आसान नहीं था बिल्कुल। उनको एक दिन उनको 60 मील दूर, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर जाके हॉस्पिटल के लिए सप्लाइज लेके आने थे, दवाई सिरिंज सब कुछ। तो वो गए, वापस आए, किसी ने उनके लिए एक प्लेट खाना रखा था उनके दरवाजे तक, तो खाया उन्होंने, लेकिन वो इतनी थक गई थी तो उन्होंने बोला कि बस मैं बाकी नहीं खा सकती हूँ। उनके वहां पे घर पे एक कुत्ता था तो उन्होंने बोला कि आप ही तो भूखे हो, आप खा लो। सुबह को जब बाकी हॉस्पिटल के स्टाफ आए उन्होंने देखा कि वो कुत्ता मर गया था और डॉक्टर हेलेन भी एकदम बेहोश जैसे थी, किसी ने उनको जहर खिला दिया था और उन्होंने वो चाहते थे कि वो मर जाए।
वहां पे उनके घर को एकदम लूटा सब कुछ और वहां से निकल गए। तो बहुत काफी कुछ चीजों का उनको सामना भी पड़ा, वो काफी बार बीमार भी पड़े। 1958 में वो वापस इंग्लैंड भी गए और फिर 1960 में वो वापस कॉन्गो आए। उनके जब हम उनकी जिंदगी को देखते हैं, उनके माता पिता का डिवोर्स भी हो गया। डॉक्टर हेलेन ने काफी किताबें लिखी हैं, लेकिन अपने माता पिता के डिवोर्स के बारे में वो कभी नहीं लिखती। आई थिंक ऐसे कुछ दुख होते हैं, कुछ दर्द होते हैं जिनके बारे में लिखना बहुत बहुत मुश्किल है, और सच में हम उनकी जिंदगी से देख सकते हैं। उनके पिता ने कई और यू नो जाके सेवक, वो भी सेवकाई कर रहे थे वहां पे। उन्होंने दोबारा शादी की, उनकी माँ ने कभी भी शादी नहीं की। तो वो इस दौरान अपनी माँ की उनको संभाल भी रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे। 1960 में वो वापस कॉन्गो आए और 1964 में बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक्चुअली कॉन्गो में जो राज कर रहे थे बेल्जियम, वो निकल गए थे, लेकिन पूरा देश एकदम एक दूसरे से लड़ाई सब हो रहा था। बहुत आतंकवाद लोग खड़े हुए एक दूसरे को खत्म करने के लिए, बस ये सब चल रहा था। और ये बहुत लंबा चला, 5 साल चला। इस बीच में बहुत मिशनरीज और जो भी लोग वहां पे काम कर रहे थे उनको मारा गया, और कुछ लोग इस हॉस्पिटल के जहाँ पे डॉक्टर हेलेन और उनके साथ जो सेवकाई कर रहे थे वहां पे थे, वो अंदर आए, खूब लूटपाट की। इनमें से कुछ एकदम बच्चों की तरह थे, मतलब 14-15 साल की उम्र के थे, लोगों को मारा एकदम, जैसे कि खूब पीते थे और मुंह से खूब गाली वाली निकलती थी। और ये बहुत दिनों तक चला। एक दिन वो डॉक्टर हेलेन के खुद के घर में आए रात में, और उन्होंने लूटपाट किया। तो डॉक्टर सोच रहे थे कि वो वहां से निकल जाएंगे, लेकिन वहां जो सबसे मेन थे उन्होंने बोला कि तुम अपने कमरे में जाओ। और फिर डॉक्टर को पता था कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, तो वहां से वो भाग गए। लेकिन उन्होंने जाके उन्हें ढूंढा, उन्हें वापस अपने कमरे में लेकर आए, और वहां पे उनका बलात्कार हुआ। और फिर उनको पेड़ में एकदम नंगा करके उनको बांध दिया, और फिर किसी को दिखाई दिया कि 11 साल तक वो एक किताब लिख रहे थे। वहां पे उन्होंने उस जो भी उन हाथ से लिखा हुआ था उनके सामने उनके जो 11 साल की मेहनत थी सब उसको जला दिया। और उस टाइम पे डॉक्टर लिखती हैं कि मैंने सच में सोचा कि प्रभु आप कहाँ हैं, जब हम इतने दुख के रास्ते से गुजर रहे हैं, आप कहाँ हैं, अगर आप होते तो ये नहीं होता। लेकिन वो लिखती हैं कि उस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा सच में उन पे उनके ऊपर उतर आई, और पवित्र आत्मा ने उनको फिर से एहसास दिलाया कि जो आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ पहले हुआ है, और आप अकेले नहीं हो, और जो भी आप सहते हो आप तभी समझोगे कि मैंने कितना दुख सहा है। और जब भी आप दुख सहते हो, आप उसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मान के चलो कि आपको ये सौभाग्य मिल रहा है कि परमेश्वर के जो दुख है उसमें आपका भी भाग हो। डॉक्टर हेलेन 5 महीने वहां पे कैद रही, और फिर उनको वहां से उनको आजाद किया गया, उनको कहीं और लेके गए, वहां पे उनका बलात्कार फिर से हुआ। तो ये 5 महीने तक चलता रहा, फिर उनको फाइनली उनको आजादी मिली, वहां से उनको निकाला गया, और फिर वो इंग्लैंड वापस चली गई। 1966 में वो वापस कॉन्गो आई, और लोगों ने उनको बोला कि हमें आपकी बहुत जरूरत है, यहाँ पे सब कुछ खत्म कर दिया इन लोगों ने, आतंकवाद ने, ये जो विद्रोही हैं, आप हमें आपकी बहुत जरूरत है। तो वापस जाना आसान नहीं है उन लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए जिन्होंने आपके साथ इतना कुछ बुरा किया है। फिर वो गई, उन्होंने मेडिकल स्कूल शुरू किया, वहां पे एक नया हॉस्पिटल भी स्थापित किया। फिर ऐसे समय आया कि उनको लगा कि परमेश्वर मेरा भी यहाँ पे काम खत्म हो गया, मुझे वापस जाना है। और जब वो जा रहे, वो सोचे थे कि हम जाएं ना जाएं, यहाँ पे कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है, क्या करेंगे, काम को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। लेकिन प्रभु ने इंतजाम किया, एक हस्बैंड वाइफ आए वहां पे काम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इन लोगों के बीच में काफी जैसे कि बाधाएं शुरू हो गई और लड़ाई शुरू हो गई। और एक दिन डॉक्टर हेलेन ने अपना इस्तीफा दे दिया था कि मैं यहाँ से अब छोड़ के जा रही हूँ। और उनको काफी लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो बोलेंगे कि नहीं नहीं प्लीज आप मत, आप रहो, हमें आपकी बहुत जरूरत है। लेकिन उन्होंने उनका इस्तीफा
कबूल कर दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है। और फिर उनको बड़ा शौक लगा और फिर वो लिखती हैं कि फिर से पवित्र आत्मा ने उनको एहसास दिलाया कि उनके अंदर कितना घमंड था और पवित्र आत्मा ने बोला कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए ताली बजाए कि तुमने सेवा की है, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है, तुम सोचते हो कि एक दिन वो आपको बुलाएंगे वापस, आपको खत लिखेंगे और बोलेंगे कि आपने इतना अच्छा काम किया, हम आपको बहुत मिस करते हैं। और फिर उनको लगा कि मिस में सच में कितना घमंड है और वो लिखती है कि मैंने उस टाइम पश्चाताप किया और परमेश्वर ने मुझे एहसास दोबारा से एहसास दिलाया कि प्रभु से दूर हो जाते हैं। वो दुनिया की कई कई जगह गए, उन्होंने अपनी गवाही दी, लोगों को बताया काम के बारे में, कांगो में क्या हो रहा है। तो इनमें से कुछ किताबें यहाँ पे हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं लेकिन इनमें से कुछ है। आपको कभी भी अवसर मिले, मौका मिले, इनको जरूर पढ़िए। ये जो डिगिंग डिचेस है, ये उन इसमें वो बहुत अच्छे से लिखती है कि उन्होंने डिप्रेशन के साथ कैसे बहुत सालों तक कार्य भी किया, कि बताती रहती थी कि कांगो में काम कैसे है, अपनी गवाही शेयर करती थी। इनफैक्ट एक अर्बाना मिशंस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे स्टूडेंट्स को हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और उनको मिशन कार्य के लिए तैयार किया जाता है। 3 बार उन्होंने वहां पे जाके गवाही दी और बहुत से लोग उनकी गवाही को सुन के प्रभावित हुए। एक दिन वो ऐसे जा रहे थे और किसी दोस्त के घर में रहे थे और उन्होंने बोला कि मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। और एयरपोर्ट उनके घर से बहुत दूर था, उन्होंने बोला मेरे को कहीं और जाना है, आपकी फ्लाइट सुबह सुबह, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो वहां पे जब वो पहुंचे तो टिकट काउंटर पे पहुंचे तो उनको याद आया कि मेरे पास टिकट नहीं है, बेड पे मेरा टिकट, मेरा पासपोर्ट और मेरा वॉलेट रह गया है। तो जो एयरलाइन के स्टाफ थे उन्होंने बोला आप टिकट के बिना नहीं जा सकते, तो और उनके पास पैसे नहीं थे कि वो दूसरा टिकट ले। तो फिर उन्होंने उसे बोला कि आप जाना कहाँ पे चाहते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, एक्चुअली वो बहुत ट्रैवल करते थे, उनको पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आपको अपना नाम तो पता है, तो बोला हाँ मुझे अपना नाम पता है। तो नाम पता करके उन्होंने टिकट निकाला लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आपके पास पासपोर्ट तो है नहीं, तो आप जा कैसे सकते हो। तो एयरलाइन के स्टाफ ने उनको बोला कि अगर आपके लिए कोई गारंटर बन सकता है वो बोलेगा कि आप ही हो, आप किसी और के उस पे तो नहीं चल रहे थे क्योंकि उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, तो मैं आपको जाने दूंगी। तो उन्होंने बोला कि प्रभु आपको मेरी सहायता मदद करने की जरूरत है, मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने दुआ की और फिर उनको एक आइडिया आया कि उन दिनों में, पुराने दिनों में, एक बुक होती थी जहाँ पे जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी था, उसमें सबके नाम थे। तो उन्होंने बोला कि आप रेवरेंट का नाम लिखो, वो कोई पास्टर होंगे, आप उनसे पूछ लो, आप उनको फोन लगा दो। और ये सुबह के 6 बजे हैं, सुबह सुबह यूएस में उन्होंने फोन लगाया। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब कोई किसी को नहीं जानते, कोई पहला नाम जो भी मिल गया वो फोन उठाया। फोन तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी ने फोन भी उठाया उस सुबह सुबह समय में। तो जब उन्होंने फोन उठाया तो उनको सिर्फ यही सुनाई दिया जो एयरलाइन के स्टाफ बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या बोला, तो बोलते हैं कि वो 20 मिनट में आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो पास्टर लोग बहुत अच्छे होते हैं, चलो मेरी मदद करने के लिए कोई तो आ रहा है। तो वो आया आदमी और उसके हाथ में कुछ पैसे थे और उन्होंने डॉक्टर हेलेन को दे दिए और डॉक्टर हेलेन ने बोला थैंक यू, मुझे बहुत जरूरत है, मैं एकदम फंस गई हूँ, क्योंकि एयरलाइन स्टाफ ने बोला था उनको कि एक डॉक्टर हेलेन रोजवे हैं, उनकी मदद की जरूरत है। तो वो पहुंच गए वहां पे। तो फिर ये आदमी बोलता है कि नहीं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं एक पास्टर हूँ लेकिन कुछ साल पहले मैं एक डिप्लोमेटिक मिशन में काम करता था, जो दो देशों के बीच में जो लोग काम करते हैं, हम काबुल अफगानिस्तान में, हमें वहां पे पोस्ट किया गया था, मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को, हम दोनों कहीं एक पार्टी में गए थे और वहां पे गलती से हमने कुछ ड्रग्स ले लिए थे, नशा हो गया था और हम बहुत बीमार पड़ गए थे। किसी तरह से वो हम वहां से निकले, काबुल में कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, कोई हमारी भाषा नहीं समझ पा रहा था,
कैसे करके हम, क्योंकि बहुत रात थी, हम ब्रिटिश हाई कमीशन में पहुंचे, ब्रिटिश एम्बेसी पहुंचे, और उन्होंने हमें बोला कि एक होटल है, आप वहां पे जाओ। बहुत बेसिक सा होटल था, कोई हाई फाई होटल नहीं था। जब वो वहां पे पहुंचे, उनकी गर्लफ्रेंड तो एकदम बेहोश हो गई थी क्योंकि ड्रग्स बहुत काफी स्ट्रांग थे। लेकिन उन्होंने, मैंने सो नहीं पाया, लेकिन वहां पे किताब पढ़ी थी और मैंने पढ़ा, और उसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने अपने अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में दे दिया। मैंने प्रभु को उस रात को ग्रहण किया। और फिर वो लिखते हैं कि डॉक्टर हेलेन, ये आपकी किताब थी, और ये जो किताब मैंने यहाँ पे लिखी है, गिव मी दिस माउंटेन, उसमें उन्होंने बोला कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने साल पहले किसी और देश में ये हुआ। और फिर 6 बजे सुबह मुझे फोन आता है और कोई बोलता है, डॉक्टर हेलेन को जरूरत है, आप क्या पहुंच सकते हैं। तो अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उन्हें फिर से एहसास दिलाया कि उनकी सेवकाई व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर ने उनके सेवकाई को बहुत बहुत कई दुनिया के कई 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 जगहों में फैलाया है। वो 2016 में, 91 की उम्र में, दिसंबर में आयरलैंड में उनकी मृत्यु हुई। हम जल्दी से बस देख सकते हैं कि हम डॉक्टर हेलेन की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एक चीज पे हम गौर कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं कि प्रभु की सेवा में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक तो सेवा बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन बहुत बड़ा सौभाग्य ये भी है कि उनकी तरह हम दुख उठाएं। दुख उठा उठा हर हर किसी मिशनरी की जिंदगी में हमने देखा है, उनको दुख उठाना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर हेलेन ने उसको हमेशा एक बहुत बड़ा सौभाग्य लेके वो चले। उनकी किताबों में भी वो ये प्रिविलेज बहुत बार इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं कि जब हमें प्रभु के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ते हैं और प्रभु बहुत बड़े तरीके किसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा उनको जख्म प्रभु पहुंचाते हैं। लेकिन जो हम सौभाग्य हमें मिलता है प्रभु की सेवा के लिए, जो हमने कीमत दी है उससे वो बहुत, जो हमने खोया है उससे वो बहुत अधिक है। जो हम पाते हैं उससे बहुत अधिक, जो हम पाते हैं उससे ज्यादा अधिक है कि जिससे हमने खोया है। तो हम खोते हैं प्रभु के सेवा में, लेकिन हम जो पाते हैं वो और भी ज्यादा है। ये कुछ तस्वीरें हैं डॉक्टर हेलेन की सेवकाई की। जवानी से लेके एकदम 91 की उम्र तक उन्होंने प्रभु की सेवकाई की। और ये जो छोटा सा न्यूज़पेपर आर्टिकल है, वहां पे बस सेकंड वो लास्ट लाइन में उसके बस ऊपर लिखा है कि ये बहुत अद्भुत कहानी है इनकी जिंदगी की, कि किस तरह मिशनरी है, प्रभु ने उन्हें मौत से बचाया कितनी बार। लेकिन कुछ चीजें होती है जो मौत से भी ज्यादा बढ़ के होती है, जी के भी कभी कभी जो दुख उठाना पड़ता है, लेकिन प्रभु ने उससे भी उनको मुक्ति दी, उन्हें हिम्मत दी। हम कुछ बातों को लेकर बस हम दुआ करेंगे। हम कौन